इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी मोटर या फैन को हम लोग एक दो तार, एक से अधिक तार से क्यों बनाते हैं। जैसे कि दो तीन चार या इतना तार मिलाकर हम लोग क्यों मोटर बनाते हैं, या इससे भी अधिक तार मिलाकर मोटर या जनरेटर को हम लोग क्यों बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मोटर जैसे 20 के 1 से बना हुआ है, 20 का ये 22 का 2 से बना हुआ है और 23 का 1 से बना हुआ है, तो इस सभी तार को मिलाकर जितना मोटा तार सिंगल पूरेगा उससे हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं, उससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग इतना ज्यादा तार को क्यों कर देते हैं, क्या इसको हम लोग सिंगल करके उतना से नंबर से बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंगल तार से हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं, इसमें दो कारण है, तो हम एक एक कारण ये आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर मोटर को जो है हम लोग ये सिंगल तार करके क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए सिंगल तार करके इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं कि अगर मान लीजिए 20 का 2 से बना हुआ है, 22 का 1, 23 का 1 से बना हुआ है, अगर हम लोग सिंगल सभी तार को कर देते हैं तो उस तार का जो है मोटाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मोटाई काफी ज्यादा बढ़ने के कारण से जो है हम लोग टर्न मारने के बाद, टर्न घुमाने के बाद जो है उसे हाथ से जो है उसको मुड़ नहीं पाएंगे, तो इसके कारण से जो है वह नहीं बन पाएगा। और दूसरा कारण इसमें ये भी है कि देखिए हम लोग अगर तार को मोटाई बढ़ा देते हैं तो उसमें ज्यादा टर्न नहीं अट पाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं अटेगा क्योंकि हम लोग जितना तार को मोटा करेंगे तो उतना बीच में जो है गैप बच जाता है, तो उतना जो है टर्न उसमें कम जाएगा, क्योंकि गैप बढ़ेगा तो वहाँ पे टर्न कम जाएगा। और दूसरा इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं कि देखिए इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं कि उसमें जो हम लोग जितना ज्यादा पतला तार करके बनाते हैं उतना मैग्नेटिक पावर जो है ज्यादा मोटर या जनरेटर कोई भी चीज का जो है मैग्नेटिक पावर जो है ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको पतला तार करके बनाते हैं, जिसके कारण से जो है मोटर या जनरेटर अच्छा ताकत से और भी चल पाता है। तो उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग मोटर या जनरेटर में एक से अधिक तार लगाकर क्यों बनाते हैं, सिंगल तार से क्यों नहीं बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।